रामनगर में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते आज एसडीएम गौरव चटवाल और स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी ने संयुक्त रूप से झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही की। इसी दौरान संयुक्त टीम ने दो क्लिनिकों पर छापेमारी की, जहां मिली अनियमितताओं के चलते दोनों क्लिनिकों को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया। वहीं प्रशासन की इस कार्यवाही के चलते झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि झोला छाप डॉक्टर क्लिनिकों को बंद कर मौके से फरार हो गए हैं। वहीं मामले में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि मंगलार रोड में एक क्लिनिक को बंद कर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि गैस गोदाम रोड पर भी चल रहे अस्पताल पर भारी अनियमितताएं मिलने के चलते इस अस्पताल को भी एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं अस्पताल संचालक पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगाने की कार्यवाही की गई है तथा दोनों क्लिनिकों के संचालकों से एक सप्ताह के अंदर अपने प्रपत्र सीएमओ कार्यालय में दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। आज हम लोगों ने एक क्लिनिक और एक नर्सिंग होम सील किया है। क्लिनिक में जो डॉक्टर साहब प्रैक्टिस कर रही थी वो आयुष वाली थी और उनके यहाँ पर एलोपैथिक मेडिसिन पाई गई है और उनके उन्होंने और कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। अपने जो एमबीबीएस डॉक्टर वहाँ पे बैठते हैं उनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर था और वहाँ पर वो डॉक्टर साहब उपस्थित भी नहीं थे और उनका वहाँ पर मरीज देखते हैं ऐसा कोई रिकॉर्ड हमें वहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक हफ्ते का उनको टाइम दिया गया। सभी रिपोर्ट्स लेके सीएमओ ऑफिस नैनीताल में जमा करेंगे और 10,000 रुपये का जुर्माना वहाँ पे जमा करेंगे ड्राफ्ट के साथ। नगर में सोमवार को झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए दो क्लिनिकों को बंद करने के निर्देश देने के साथ ही 70,000 रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की। आपको बता दें कि सोमवार को एसडीएम गौरव चटवाल, स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक और कोतवाल अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने मंगलार रोड पर एक क्लिनिक को पर पहुंचकर वहां दस्तावेज देंगे, लेकिन दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ियां पाए जाने पर मौके पर मौजूद टीम ने इस क्लिनिक को एक सप्ताह के लिए बंद करने के निर्देश दिया। वहीं क्लिनिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी किया और क्लिनिक संचालक से सप्ताह भर के भीतर अपने दस्तावेज सीएमओ कार्यालय में दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं टीम ने गैस गोदाम रोड स्थित एक क्लिनिक को और सील करने की कार्रवाई की है। नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि इस क्लिनिक संचालन पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है। वहीं इस क्लिनिक को भी एक सप्ताह तक बंद करने के निर्देश संचालक को दिए गए। उन्होंने बताया कि सप्ताह भर के भीतर यदि क्लिनिक संचालक द्वारा कोई भी प्रपत्र अपने सीएमओ कार्यालय में नहीं दिखाए तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सोमवार को भी प्रशासन की इस कार्रवाई की भनक लगने के बाद रामनगर व ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टर अपने अपने क्लिनिकों को बंद करते हुए दिखाई दिए और मौके से फरार हो गए। मामले में नोडल अधिकारी डॉक्टर कौशिक ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन का झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।